एवरीवन, माय नेम इज रंजिता सिंह, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जुलाई मंथ रीडिंग करने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि आपके लिए जुलाई मंथ कैसा रहेगा। जब तक आपको ये वीडियो मिलेगी, जुलाई ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका होगा। सॉरी फॉर द डिले एंड यस, चलिए स्टार्ट करते हैं ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। एंड उससे पहले, इफ़ यू हैवन सब्सक्राइब माय चैनल येट तो डू सब्सक्राइब इट। इससे एनर्जी एक्सचेंज होती है और ये जो रीडिंग्स हैं ये आपको और रेजोनेट करती हैं। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें इन वीडियोस को ताकि लोगों की भी हेल्प हो। एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, मैं वहाँ पे डेली फ्री रीडिंग करती हूँ। आपका जो भी क्वेश्चन है आप डीएम करें, मैं ज़रूर वहाँ पे जवाब दूंगी। एंड रिगार्डिंग एनी क्वेरी अबाउट टेरो रीडिंग, न्यूमरोलॉजी और क्रिस्टल हीलिंग, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर विच इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप व्हाट्सएप करें, आपको रिवर्ट बैक होगा। कॉल्स आर नॉट एक्सेप्टेड, तो कॉल ना करें। कॉल्स बहुत आती हैं एंड मैसेज भी आते हैं बट एट द रॉन्ग टाइम। सो प्लीज़ टाइमिंग का ध्यान रखें, प्रोफेशनलिज्म दिखाएंगे आप तो ही यहाँ से रिवर्ट बैक आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए एक्वेरियस, सो लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है जुलाई मंथ में। लेट्स सी व्हाट इज कमिंग फॉर यू एक्वेरियस दिस मंथ। पेज ऑफ एयर, ईगो एंड किंग ऑफ एयर, पेज ऑफ अर्थ। सो समहाउ फाइनेंशियल गेन्स दिख रहे हैं मुझे इस मंथ एक्वेरियस, आपके लिए कुछ गुड न्यूज़ नज़र आ रही है मुझे। एंड समथिंग यू नो, जैसे ना कुछ चीज़ें अब आप में से बहुत से लोग अगर किसी चीज़ को स्टडी करना चाहते हैं या फिर कुछ कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इट्स अ वंडरफुल मंथ। कुछ चीज़ें ना आपके साथ इस मंथ ना बहुत लॉजिकली आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ही अपनी चीज़ों में इम्पल्सिव भी हो रहे हैं, क्यूरियस भी हो रहे हैं। समहाउ पेज की एनर्जी दिख रही है मुझे। आप बहुत ज़्यादा एक होता ना, कुछ चीज़ें आपकी ना बेवजह डिले हो रही थी तो वो अब आगे बढ़ रही हैं, मुझे आगे बढ़ती नज़र आ रही है। और ना मुझे ऐसा भी लग रहा है बहुत ज़्यादा ना माइंड से चलने वाले हैं इस मंथ। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ना ओवरली फोकस्ड कर जाएंगे आप इस मंथ। ठीक है, मटेरियल थिंग्स कुछ ना कुछ आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक भी हो रहे हैं इस मंथ और ऑब्वियसली लॉजिकल माइंड से सोच रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ों का फियर भी सता सकता है इस मंथ, तो मेक श्योर कि आप चीज़ों को सोचें नहीं ज़्यादा, क्योंकि कभी कभी वो इल्यूजन भी होती है हमारी। ठीक है, एंड डेफिनेटली यहाँ पे आपके सी माय गुडनेस एयर के कार्ड हैं दोनों। यू आर स्पीकिंग योर माइंड एक्वेरियस, यू आपके मुंह में जो आ रहा है आप वो बोल देंगे, अब आप नहीं रुकने वाले इस मंथ। ठीक है, तर तर करके आप बोलने वाले, आपका कॉन्फिडेंस लेवल गजब का होने वाला है। ठीक है, और आपके लिए कहा जा रहा है लेकिन ना वाइसली बोले, स्पीक योर माइंड, स्पीक योर हार्ट, लेकिन उससे ना थोड़ा सा डिप्लोमेसी लेकर आ जाएं। ऐसे आप हो सकता है इस मंथ ना लोगों को कटु शब्द बोलते हैं, तो थोड़ा डिप्लोमेसी लेकर आए, और आप डिप्लोमैट बन भी रहे हैं डेफिनेटली। यहाँ पे ना चीज़ों को बड़े अच्छे से बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं, मेंटल एंड इमोशनल दोनों चीज़ों को अच्छे से बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इस मंथ आपको ईगो का फ्लैश ना हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा आप उस पर ध्यान दीजिए कि ना काम के चक्कर में आप अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा ध्यान ना दे। लेट्स सी व्हाट इज फॉर योर लव लाइफ, डेस्टिनी। ओके, तो आप में से कुछ लोग मैरिज करना चाहते हैं, कहीं घूमना चाहते हैं, कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं इस मंथ, कहीं ना कहीं जा सकते हैं। ठीक है, एंड डेफिनेटली एक्वेरियस यहाँ पे ना जैसे आपके आप या आपके पार्टनर को रिकॉग्निशन या रिवॉर्ड मिल सकता है। आप में से कुछ लोग मुझे शादीशुदा भी लग रहे हैं या शादी सोच रहे हैं, तो शादी प्लान कर सकते हैं। समहाउ यू आर मूविंग, कहीं ना कहीं जा भी रहे हैं आप एक्वेरियस, कहीं शॉर्ट ट्रिप, लॉन्ग ट्रिप, कहीं घूमने। लेट्स सी डिस्कम्फर्ट, कुछ चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहे हैं, आपको कुछ चीज़ें ना चाहते हुए भी करनी पड़ रही हैं समहाउ एक्वेरियस। ठीक है, लेट्स सी नर्चर एंड कोलैबोरेट, आपके लिए कहीं कहा जा रहा है कोलैबोरेशन आ रही है इस मंथ डेफिनेटली एक्वेरियस। आपके लिए
चीज़ों को कहते हैं ना साझेदारी से काम करें, सबके साथ मिलजुल कर काम करें और कोलैबोरेट करें। कुछ लोगों के लिए पार्टनरशिप भी हो सकती है यहाँ पे। डेफिनेटली अ वेरी बिजी मंथ एक्वेरियस फॉर यू। लेट्स सी प्रेजर्वेंस, चलते चलें। तो ये मंथ बहुत 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 बिजी होने वाला है एक्वेरियस आपके लिए। डिलाइट, तो बीच बीच में कुछ चीज़ें इंजॉय कर लीजिएगा एक्वेरियस, इतना भी फोकस ना हो जी हो काम काम काम, थोड़ा सा अपने पे भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सो दैट्स इट एक्वेरियस, आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। इफ यू डू, हिट द लाइक बटन एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन बाय।